एडवोकेट अजय प्रधान बात कर रहा हूँ, संभाग प्रभारी भीम आर्मी से। जी भाई साहब, आपके थाना क्षेत्र में एक सामूहिक बलात्कार का मामला है, लड़की का, दलित समाज की। बलात्कार के बाद मर्डर हुआ, हाँ वही मामला है, उसमें अभी तक FIR पंजीकृत नहीं हुई है, पहले तो उसकी जानकारी मुझे दे दीजिए। अरे बलात्कार के बाद मर्डर हुआ है तो उसकी FIR पंजीकृत होगी नहीं, भैया मैं बता दूं, कल तो बताइए। मतगणना है, हाँ आप नहीं, परसों आ जाओ। मतगणना से मुकदमा का क्या मतलब है? अरे मतगणना से मुकदमे का क्या अरे मतलब है मेरी सुनो, उसका PM हुआ, हैंगिंग आया है, भाई साहब, वो बाद की चीजें, हैंगिंग आना है, हैंगिंग में ये कौन सी क्लियर नहीं बात होता। बात अब सुनिए, कितने हो एडवोकेट अजय गई। प्रधान बात कर रहा हूँ, प्रभारी भीम आर्मी से, बात लीगल वे में ही कीजिएगा। हैंगिंग का मतलब है कि गला दबा के हत्या हुई है, या लटका के हत्या हुई है, या आत्महत्या करी है, ये विवेचना का विषय है। आपको पहले मुकदमा पंजीत करना चाहिए। आपने FIR पंजीत क्यों नहीं करी अब तक, ये बताइए। घटना हुए 30 घंटे के ऊपर हो गए, आपने FIR पंजीकृत क्यों नहीं करी है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हाँ भाई, FIR पंजीकृत क्यों नहीं करी है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। मैं कह दूं कि प्रधान जी ने किसी फाइल दिया, FIR लिख लूं? हाँ बिल्कुल लिखेंगे भाई, मामला गंभीर है, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर लड़की हत्या ना हुई होती, बलात्कार ना हुआ होता, तब मैं मान सकता था कि हाँ नहीं लिखी, नहीं लिखेंगे। अगर नहीं, सुनिए, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, तो FIR लिखेंगे, ये आपका पहला काम है। मेरे भैया ये सुनो, सुनाइए, कैसे पुष्टि होगी ये पूछ रहा हूँ मैं। किसकी होगी भैया कैसे पुष्टि होगी कि ये पुष्टि? हुआ भाई है? साहब, विवेचना करेगी आपकी मानसिकता थोड़ा ना करेगी, पुष्टि विवेचना करेगी आपकी मानसिकता, पुष्टि करेगी क्या कि आपने सोच लिया नहीं हुआ तो आप मान लोगे क्या? हम कह रहे हैं हुआ, हमने कह नहीं हुआ, आप विवेचना करेंगे, विवेचना जिसके हाल में जाएगी वो पुष्टि करेगा, नॉर्मल सी बात है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आप पहले मुकदमा पंजीकृत करें, देखिए साथ, देखो तरीका यह है, टहलाने का प्रयास मुझे तो कर नहीं पाएंगे आप इसमें मुकदमा पंजीकृत करिए, आप टहलाने का प्रयास मुझे नहीं कर पाएंगे, आपको सब सूचना दे रहा हूँ, सुनिए। आप थोड़ा दूसरे टाइप बोल रहे हो, मैं दूसरे टाइप से नहीं बोलता हूँ भाई साहब, मैं सीधे टाइप से बोल रहा हूँ आपको कि लड़की की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, पहले आप मुकदमा पंजीकृत करें। और दूसरा टाइप मैं नहीं बोलता हूँ, मैं लीगल वे का आदमी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, और भीम आर्मी का संभाग प्रभारी भी हूँ, तो मैं दोनों तरीके से बात कर लेता हूँ। अभी तो मैं लीगल वे में बोल रहा हूँ कि भाई साहब मुकदमा पंजीकृत करें, और आप नहीं करेंगे तो बहन के सम्मान के लिए मुझे आना पड़ेगा, और जब मैं आऊंगा तो फिर आप ये कहेंगे भाई साहब आपका नहीं, जरूरत नहीं थी, ये भी समझ लीजिए। तो मुझे और मारोगे? आपको मारने में क्या जरूरत है, आप कुर्सी पे बैठे हो, मैं क्यों मारूंगा भाई साहब आपको? मैं फिर मारूंगा उन्हें ना, जिन्होंने मेरी बहन की हत्या करी है, मैं उन्हें मारूंगा, मैं आपको क्यों मारूंगा भाई साहब? नहीं, आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। आपने काम ही ऐसा कर दिया, मेरी बहन की हत्या हुई, मेरी बहन का बलात्कार हुआ, और आप कह रहे हैं कि पुष्टि कौन करेगा? पुष्टि विवेचना करेगी ना, आप करोगे ना मैं करूंगा, पुष्टि विवेचना करेगी। आप विवेचना के लिए FIR पंजीकृत नहीं करना अब तक? मेरे भैया, मेरे दादा, मेरे भाई साहब, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, जो भी हैं आप, एड फर्स्ट इसमें मुकदमा पंजीकृत करिए पहले। मैं नहीं चाहता ये मामला तूल पकड़े, मैं कह रहा हूं इसको FIR करिए पहले, FIR करिए, मैं नहीं चाहता ये मुकदमा तूल पकड़े, यह मामला तूल पकड़े। आप मुकदमा पंजीकृत कर देंगे, मैं सहमत हो जाऊंगा आपसे कि आप उचित कार्रवाई करेंगे, और आप 30 घंटे के बाद भी FIR पंजीकृत नहीं कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग अपराधियों की मदद कर रहे हैं। हम मिले हुए हैं, हो सकता है मिले हो, बड़ी बात थोड़ा ना है, तभी तो FIR पंजीकृत नहीं हुई है। आप कहाँ से बोल रहे हैं भैया? बरेली से बोल रहा हूँ भाई साहब। बरेली कहाँ से? बरेली शहर से बोल रहा हूँ मैं। शहर में कहाँ से? शहर में रहता महानगर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ, आपसे बात कर लेते हैं। पवन विहार में अभी हैं, अभी हैं। अरे भाई साहब, माफ की बात करने में क्या बुराई है, अगर बैठ के बात हो जाए, वार्तालाप हो जाए, कोई बुराई तो है नहीं कहीं पर भी। आप ही तो बात ऐसी कर रहे हो, आप तो धमकी दे रहे हो मुझे, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, धमकी दे रहे हो फिर आप मुझे, आप भी धमकी दे रहे हो फिर आपसे। मैं कह रहा हूँ, मैं भीम आर्मी का संभाग प्रभारी बोल रहा हूँ, एडवोकेट अजय प्रधान मेरा नाम है, संभाग प्रभारी को भाई साहब पूरे बरेली मुंडा मंडल की टीम जानती है, पूरे पुलिस अधिकारी जानते हैं, आप ही पहले आदमी हो जो इतनी सूचना मांग रहे हो, चलो मैं वो भी दे रहा हूँ, धमकी आप दे रहे हो, मारने का दाव कर रहे हो। भाई मेरे, मैं वही रहा हूँ, वही तो भाई साहब रहिए, मेरे जैसे कोई मतलब है नहीं, जो पुलिस की जिम्मेदारी है आप उसको निभाइए, एट फर्स्ट आप मुकदमा पंजीकृत करिए। हाँ तो मुकदमा पंजीकृत करिए, मुकदमा पंजीकृत करिए, मुकदमा एट फर्स्ट, मुकदमा एट फर्स्ट, मुकदमा FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पहले पंजीकृत करिए, ठीक है? अच्छा, मुझे जानकारी कम आप दे रहे हो। हाँ तो भाई साहब जानकारी देनी पड़ रही है, ये तो बड़ी बड़ी मजबूरी है मुझे कि आपको इतनी बड़ी घटना पे आप ऐसे मतलब एक प्रार्थना पत्र लिए बैठे हो, अब अभी तो मुकदमा पंजीकृत कर रहे हो, उसमें इंतजार कर रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, मैं उसमें सिद्ध करूंगा, ये तो बात ही नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ा सिद्ध करती है कि हत्या हुई है कि क्या हुआ नहीं हुआ है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सिर्फ सिद्ध चीज करती है, आप ही मुकदमा पंजीत कीजिए, ठीक है भाई साहब? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, कल मैं बात करता हूँ। बात नहीं, कल बात नहीं होगी, कल जो है मुकदमा पंजीत होना चाहिए, 12 से 14 या 15 घंटे का फर्क है, उसके बाद हम आएंगे टीम के साथ, बहुत ठीक है भाई साहब, मुलाकात होगी बहुत जल्द।